ऑल मेन्स आर डॉग्स। इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी। हमारी फिल्मों में, डेली सोप्स में अक्सर पुरुषों के मुद्दों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। कानून में महिला के साथ बलात्कार होने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन पुरुषों के साथ जोर जबरदस्ती पर क्या? पत्नी पर हाथ उठाता है, कैसा आदमी है ऋतु? पत्नी से मार खाता है, कैसा आदमी है ऋतु? और अब इन सब के चक्कर में जेंडर राइट्स, जेंडर न्यूट्रल लॉज की बहस के बीच मैरिटल रेप का मुद्दा उठ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन और मेन की बात के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मैरिटल रेप पर। मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार भारत में कोई अपराध नहीं है, लेकिन यह है क्या? अगर कोई पति अपनी पत्नी से या कोई पत्नी अपने पति से उसकी सहमति के बगैर जबरदस्ती करे या उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। लेकिन भारत के कुछ इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में मैरिटल रेप तभी माना जाता है जब पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करे, और जैसा कि हमने बताया, भारत में इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं। आजकल देश भर में यही विषय छाया हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि इस पर एक सख्त कानून बने, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस पर अलग से कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं। मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने है, प्रत्येक सुनवाई पर दोनों ओर से गहमा गहमी बढ़ रही है। ऐसे में हमने सोचा कि अगर इस विषय पर आगे कोई भी कानून बनता है तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि आखिर आपके लिए क्या कानून बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में बलात्कार को लेकर क्या कानून है। IPC की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है। इसके अनुसार जब किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के बिना, उसकी सहमति के बिना, यहाँ इच्छा और सहमति यानी विल और कंसेंट, इन शब्दों को याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों ही इस पूरे मामले का बेस है। तो जब किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के बिना, उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती, गलत बयानी या धोखाधड़ी से, ऐसे समय में जब वह नशे में हो या उसे ठगा गया हो या मानसिक तौर पर वो अस्वस्थ हो, उसके साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं तो उसे बलात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी मामले में अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो उसके साथ बनाए गए यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा, चाहे ये संबंध उसकी मर्जी से ही क्यों ना बनाए गए हो। इसमें किसी पति द्वारा अपनी 15 वर्ष या उससे कम आयु की पत्नी के साथ बनाए गए शारीरिक संबंध भी शामिल है। हालांकि यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक की हो तो इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो सरासर अन्याय है, लेकिन क्योंकि मामला जरा पेचीदा है इसलिए इस पर अपना मत बनाने से पूर्व दोनों तरफ की बातें जानना आपके लिए आवश्यक है। फिलहाल मैरिटल रेप का यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजीव शागधर और सी हरिशंकर की पीठ NGO रेड फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, एक पुरुष और एक महिला द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। इसमें भारतीय बलात्कार कानून के तहत पतियों को दिए गए अपवाद को खत्म करने की मांग की गई है। यानी कहा जा रहा है कि 15 वर्ष से बड़ी आयु की पत्नी के साथ हुए ऐसे अपराध को भी बलात्कार माना जाए। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि इसके लिए अलग से कोई प्रावधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि IPC में पहले से ही ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है, और इसे क्रिमिनलाइज करना यहाँ पर केवल इसे महिलाओं के हाथ में एक हथियार बना देगा। पुरुष पक्ष का कहना है कि देश पहले ही देख चुका है कि कैसे दहेज विरोधी कानून और बलात्कार पर बने कानूनों का कई महिलाओं द्वारा दुरुपयोग किया गया है। ऐसे में एक ऐसे कानून के आने से कई पत्नियां अपने घरेलू विवाद, अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए या पति से वसूली करने के लिए इसका उपयोग कर सकती हैं। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो उनका ये मानना है कि वुमेन आर मिसयूजिंग द वेरी लॉज दैट आर मेड टू प्रोटेक्ट हर। यानी कुछ महिलाएं उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं जो उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे, और इस दिशा में एक ऐसा और कानून लाना पुरुषों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता पर खतरा बन जाएगा। इतना ही नहीं, पुरुष पक्ष का ये भी कहना है कि विवाह का एक महत्वपूर्ण भाग पति पत्नी के बीच बने शारीरिक संबंध भी है। ऐसे में इस तरह के कानून से समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि ना ही हर पुरुष बलात्कारी होता है और ना ही हर महिला पीड़ित। अब इस मामले को ही देख लीजिए। खबर है, मैन डाइज ऑफ बर्न्स एज गर्लफ्रेंड थ्रोज एसिड ऑन हिम इन आगरा। एक दूसरी खबर देखिए, यूथ सफर्स सीवियर बर्न्स आफ्टर गर्लफ्रेंड अटैक्स हिम विद एसिड फॉर रिफ्यूजिंग टू मैरी हर। अब इन खबरों को कितने ही न्यूज चैनलों पर दिखाया गया, जरा सोचिए। बहरहाल एक पॉइंट जो पुरुष पक्ष की ओर से उठ रहा है वो ये कि भारत में ज्यादातर लोगों का मानना है कि पुरुष तब तक दोषी है जब तक वह निर्दोष साबित नहीं हो जाता, और महिलाएं तब तक निर्दोष हैं जब तक वे दोषी साबित नहीं हो जाती। ऐसे में यदि पति निर्दोष हुआ तो उसकी मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का क्या होगा? बहरहाल हम अभी आपको इन्हीं बिंदुओं के साथ छोड़कर जा रहे हैं। मेन की बात के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मैरिटल रेप पर कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दी जा रही दलीलों के बारे में। आगे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।